नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस, आपके साथ मैं हूं सृष्टि। आज हरियाणा में अन्नपूर्णा उत्सव के मौके पर किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध किया। वहीं आपको बताते चले कि किसान संघर्ष समिति ने राशन डिपो पर आने वाले राशन के थैलों को उठाकर जला दिया। वहीं किसान संघर्ष समिति का कहना है कि अगर सरकार को गरीबों की वाकई में मदद करनी हो तो सरकार को 5 किलो गेहूं के बजाय 50 किलो गेहूं देने चाहिए। वहीं जो सरसों के तेल बंद कर दिए गए हैं उन्हें चालू करना चाहिए। वहीं किसानों का कहना है कि बीपीएल के अंदर आने वाले परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त में देना चाहिए। आप भी देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हमें सारा जाखल बलाकर दिए जी, उन्होंने राशन पा के नहीं बांटने देंगे। और दूसरी बात, जो बीपीएल कार्ड वाले हैं उनको दुगना राशन देना चाहिए जी, तेल देना चाहिए जो बंद कर दिया सरों का, दाला बंद कर दिया बहुत देनी चाहिए। जो इधर नारा लाया था भैया बीपीएल पे सिलेंडर फ्री देंगे, वो सिलेंडर फ्री देना चाहिए। उस नारा की बजाय जी बीपीएल वाले लूटने का काम कर रहे हैं जी। जो एक डिपो होल्डर है उस पर थोप दिया भी आपने इस दिन टेंट लाना है या खर्चा करना है, वो जो बीपीएल वाले उन्होंने मैं दिखा देगा। जो थैला 150 रुपये का ला दिया जी, उसका 150 को राशन दे देते गरीब आदमी ने। ये सरकार की कोजिया चाला है सरकार या बीपीएल भी, जो कानून काले कानून लागू हो गए जी, ता जिहड़ियां 2 रुपये किलो कणक दे रहे 100 रुपये किलो मिलेगी। तो आप ये टेंट उखाड़ने के साथ साथ इन डिपुओं पे जो थैले थे वो आग भी लगाई गई है। हाँ जी, हाँ जी। अन्न महोत्सव दिवस का जी हमारे कोई विरोध नहीं है। हमारा जहाँ भी बीजेपी कोई भी प्रचार सामग्री अपना चाहे वो फोटो के रूप में टेंट लगाकर कुछ भी प्रोग्राम करना चाहेगी वो उसका विरोध होगा। खेती कानून जब तक रद्द नहीं होगा सभी गाँवों में, ये बहुत पहले से एक अनाउंस कर रखा है कि कोई भी बीजेपी जेजेपी या सरकार से संबंधित किसी भी राजनीति नेता को कोई प्रोग्राम या गांव में नहीं आने दिया जाएगा। उसी के तहत आज जिस गांव में भी जो विरोध हुआ है वहां बीजेपी के कुछ लोग जाकर अपना प्रोग्राम करना चाहते थे, उसी के तहत विरोध हुआ है। जो राशन का हमारा कोई विरोध नहीं है, राशन समा हमारी इसके विरोध जो इसके सिस्टम के विरोध में हमारी मांगे हैं, जिसमें 50 किलो अनाज मिलना चाहिए प्रति परिवार के हिसाब से, 4 किलो इसको दालें मिलनी चाहिए, 5 किलो चीनी मिलनी चाहिए। जो सरसों का तेल आपने देखा है बीजेपी सरकार ने गरीब का गला घोटने के लिए बंद कर दिया है, वो 4 लीटर सभी परिवारों को दोबारा मिलना चाहिए। रसोई गैस सिलेंडर जो आपको बताया कि सरकार ने फ्री बांटने का घोषणा करने के बाद गरीब परिवार की जो रोजी रोटी छीन लिया, उसका चूल्हा छीन लिया, 1000 रुपये सिलेंडर का रेट कर दिया। हमारी मांग है बीपीएल परिवारों को रसोई गैस सिलेंडर है जो हर महीने एक फ्री दिया जाए। ये आज अन्न योजना महोत्सव के तहत लोगों को राशन बांटा जा रहा था जी, और उन जो वो राशन था वो सरकार द्वारा दी गई हिदायतानुसार ही बांटा जा रहा था जी जी। लेकिन कुछ किसान लोग यहाँ पर आए जी, आकर उन्होंने जो भी राशन बांटा जा रहा था उस राशन को थैलों को निकाल कर और जला दिया है जी। तो इस मामले में विभाग की ओर से कोई कार्रवाई की जाएगी? हाँ, इसके लिए उच्च अधिकारियों को लिख दिया गया है जी, और उच्च अधिकारी जैसे भी ठीक समझेंगे इसके आगे तो कार्रवाई की जाएगी। अब जो लोगों को राशन दिया जाएगा कैसे दिया जाए? अब भी राशन जो दिया जाएगा वो सरकार की हिदायतानुसार ही दिया जाएगा, लेकिन फिर दोबारा से ऐसी कोई दुर्घटना ना हो इसलिए थोड़ा सा समझदारी से इसे चलाया जाए।